एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूं पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूं एक कलेक्टिव रीडिंग। और आज मेरी इस रीडिंग का टॉपिक है कि क्या आपके जो भी पार्टनर हैं उनका दिल नहीं करता आपसे बात करने का? जैसे आपका अपने पर्सन से बात करने का मन करता है, उन्हें कॉन्टेक्ट करने का मन करता है, तो ऐसे ही आज हम देखेंगे कि उनका दिल करता है या नहीं करता आपसे बात करने का। उसके अलग मुझे और जो भी पता चलता रहेगा मैं वो भी साथ में आपको बताऊँगी, ठीक है? सॉरी गाइज, आज थोड़ा आपको मेरे गले से एडजस्ट करना पड़ेगा, थोड़ी वॉइस से एडजस्ट करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ब्लॉक हुआ हुआ है मेरा गला, ठीक है? तो गाइज, यहाँ पर आपकी कोई भी सिचुएशन हो सकती है आपके रिलेशनशिप को लेकर। ये रीडिंग मैरिड और अनमैरिड कोई भी पर्सन देख सकता है। ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आप लोगों के सामने आती है आप इसे देख सकते हो, अपने आप से रिलेट कर सकते हो। सेकेंड थिंग गाइज, एक जनरल रीडिंग है, ऊपर से कलेक्टिव रीडिंग होने जा रही है, तो आपसे 100% रेजोनेट करे ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। तो आपसे जितना भी रेजोनेट करे आप प्लीज़ उतना ही लीजिएगा, बाकी के यही और लोगों के लिए छोड़ दीजिए। थर्ड थिंग गाइज, जो भी रीडिंग होने जा रही है ना वो जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एनर्जीज पड़ी जा रही हैं और एनर्जीज वाइस वर्सा होती हैं, तो इस चीज़ का भी आपको रखना है ख्याल। तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर का क्या दिल करता है या नहीं करता आपसे बात करने का। चल क्या रहा है उनके दिल में, दिमाग में, आपके लिए, आपको लेकर, आप लोगों के बीच में जो भी रिलेशनशिप है उसको लेकर। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है, क्या उनका दिल करता है मेरे व्यूअर्स से बात करने का। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं क्या चल रहा है उनके दिल में, दिमाग में, मेरे व्यूअर्स को लेकर। पहला आया है सिक्स ऑफ सोर्ड्स। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है, क्या उनका बात करता मन करता है बात करने का। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए। मैं ऐसे ही निकालती हूँ, फिर सबको डाउट होता है कि मैम। टू ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ कप्स, द एम्परर, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, किंग ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है नाइन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है? कुछ कुछ यहाँ पे मुझे ना ट्विन फ्लेम या सोल में जर्नी में दिखाई दे रहे हो गाइस। उसके अलग मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोगों में ना एज डिफरेंस भी हो सकता है, जो कि कुछ कुछ में ही होगा, सभी लोगों में नहीं होगा। उसके अलग मुझे यहाँ पे फोर नंबर बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। जैसे हो सकता है आपका रिलेशनशिप 4 साल का था, 4 महीने से प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो गई हों आप लोगों के रिलेशनशिप में, या हो सकता है अप्रैल मंथ आपसे रिलेट करता हो, जो किसी किसी से ही होगा, सभी लोगों से नहीं। जैसे हो सकता है आपका बर्थ मंथ हो अप्रैल, आपके पार्टनर का बर्थ मंथ हो, आप दोनों की एनिवर्सरी हो, आप लोग मिले थे फर्स्ट टाइम, आप लोग बिछड़े थे, तो इस तरह से ये नंबर्स और ये मंथ आपसे रिलेट करते होंगे, ठीक है? मुझे यहाँ पर 2-3 कार्ड्स क्लैरिफाई करने हैं, मैं वो और करती हूँ, उसके बाद हम कार्ड्स करते हैं रीड, ठीक है? प्लीज यूनिवर्स मुझे बताइए नाइन ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है यहाँ पे। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, अगेन पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है गाइस। देखिए यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे भी पेज ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स किसकी एनर्जी है, किंग ऑफ वॉन्ड्स किसकी एनर्जी है यहाँ पे, किंग ऑफ वॉन्ड्स किसकी एनर्जी है यहाँ पे। प्लीज यूनिवर्स मुझे बताइए किंग ऑफ वॉन्ड्स किसकी एनर्जी है। किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे है द मून, ठीक है? द एम्परर किसकी एनर्जी है यहाँ पे, एम्परर। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए एम्परर किसकी एनर्जी है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए यहाँ पे एम्परर, एम्परर आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है? चलिए पहले एनर्जीज और डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे कौन कौन सी एनर्जीज आई है। जैसे यहाँ पर आया है एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। उसके अलग यहाँ पे आया है
जमना लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला एंड कुंभ राशि, टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ कन्या एंड मकर राशि। तो ओवरऑल यहाँ पे गाइस सभी एनर्जीज आ गई हैं। थोड़ी सी पास्ट की बात कर लेते हैं ना गाइस, तो थोड़ा सा आपको भी पता चल जाएगा कि ये रीडिंग आप लोगों के लिए है या नहीं है, ठीक है। सॉरी मुझे आज बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रहा है ना, मेरा गला एकदम चोक हुआ पड़ा है, तो मैं बहुत ज़्यादा स्लोली स्लोली बोल रही हूँ। तो देखिए थोड़ी पास्ट की बात कर लेते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पास्ट में ना आप लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए हैं, ठीक है गाइस। विद दिस नाइन ऑफ वॉन्ड्स कार्ड मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप लोगों के बीच में कुछ ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ है, और उस लड़ाई झगड़े का रीज़न था ये कोई एल्डर फिगर। ये एल्डर फिगर कोई भी हो सकता है जिसे आपके पर्सन बेहद मानते हैं, फैमिली का कोई मेम्बर हो सकता है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन कोई एल्डर फिगर है यहाँ पर, ठीक है। बहुत ज़्यादा उसने ना अपने रूल्स रेगुलेशंस, अपनी कास्ट, अपनी परंपरा की दुहाइयाँ आपके पर्सन को दी, चार लोगों की दुहाइयाँ आपके पर्सन को दी, और आप लोगों को बेसिकली उस इस पर्सन ने ना अलग करा। जैसे होता है ना कि बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं कई सारे कि नहीं हमारी परंपरा में ऐसे नहीं होता, नहीं हमारी कास्ट डिफरेंट है, ऐसा नहीं होता, नहीं लड़की और आप में बहुत ज़्यादा एज गैप है, आप छोटे हो लड़की बड़ी है, उस तरह से रीज़न बताया। जैसे बहुत सारे रीज़न्स होते हैं जो बड़े लोग बताते हैं, जैसे हो सकता है आप लोगों को ये बताया हो, जैसे अगर सपोज़ आप लोग मैरिड हो तो कि ये लड़की हमारे घर में हमारी बात नहीं मान रही है, हमारा आदर सम्मान नहीं कर रही है, ये हमारे लायक नहीं है, उस तरह से। मतलब बहुत बड़े बुजुर्ग, जैसे बहुत पुराने जो ट्रेडिशंस होते हैं ना, जो शायद आज के दौर में कोई भी नहीं मानता है, तो ऐसे जो ट्रेडिशंस है ना वो आप लोगों के बीच में आए हैं, मुझे ऐसा यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा देखिए कितने पुराने तरह के बूट्स वगैरह पहने हैं, तो यानी कि बहुत पुरानी परंपराएं जो आज के दौर में, जैसे होता है ना कि अगर बहू ने भाई जीन्स पहन ली तो वो हमें पसंद नहीं है, तो मतलब आपके बेसिकली आपके पर्सन उसी फैमिली से बिलोंग करते हुए दिख रहे हैं जो बहुत पुराने ख्यालातों में जी रहे हैं कि लड़की का बाहर निकलना वो नहीं है, लड़की को प्यार करने की इजाज़त नहीं है। तो उस तरह से मुझे यहाँ पे लड़की का फ़ोन रखना, अपने पेरेंट्स से बात करना, ये सब हमारे यहाँ नहीं चलता है, वो अब आ गई है तो हमारी है, तो उस तरह से कोई, मतलब मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, सेम यही बातें नहीं होंगी। तो इस तरह से किसी पर्सन ने ना आपके, कोई भी हो सकता है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आपके बीच में काफ़ी सारे एक्सक्यूजेस बनाए, ठीक है, जिस वजह से आपके पार्टनर ने ना आपसे बिल्कुल डिस्टेंस बना ली इनकी बातों में आकर, आपने चारों तरफ वॉल खड़ी कर ली। और जब आप अपने पार्टनर से बात भी करना चाहते थे ना, उनको कोई ऑफर भी करना चाहते थे ना, तो वो इन्हीं बातों जो इन्होंने ने सिखाई पढ़ाई लिखाई, तो वो इन्हीं सिखाई पढ़ाई लिखाई बातों को ना देखते रहे, सोचते रहे, और उन्होंने आपके ऑफर्स, आपने जो भी उन्हें ट्राई करा ना बात करने के लिए, तो उन्होंने उन सबको रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने उन्हें उनकी आपकी सुनी ही नहीं उस टाइम पर, आपने बहुत ट्राई करा मनाने की। देखिए जैसे या अगर सपोज़ आप लोगों की ये फैमिली है, सपोज़ आप मैरिड हो, आपकी फैमिली है, तो किसी पर्सन ने आपके पार्टनर को भड़काया और आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े कराए, ये हो सकता है। या हो सकता है आप लोग प्यार करते थे, आप लोगों का ऐसे सपना था कि हम फैमिली में रहेंगे, तो किसी पर्सन ने आप लोगों को आपस में भिड़वाया। जिस भी पर्सन ने भिड़वाया वो कोई एल्डर फिगर मुझे मेन यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। अब ये भी हो सकता है अगर आपके पार्टनर किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है ना, तो हो सकता है उस पर्सन के जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है उस पर्सन के पेरेंट्स ही क्यों ना हो, ठीक है। जो भी है एल्डर फिगर है यहाँ पे, ये मुझे मेन दिखाई दे रहा है। तो आपके पर्सन ने ना आपको बिल्कुल बेसिकली इग्नोर करा उस टाइम पे, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है, और वो भी जस्ट बिकॉज ऑफ इस पर्सन की बातों में आके, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिए जैसे यहाँ पे आया है क्वीन ऑफ कप्स कार्ड आया है, किंग ऑफ कप्स कार्ड आया है, देखिए ये दोनों हैं आप लोग, जैसे आप हो किंग और एक हो गया क्वीन हो गया, आप लोग एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स रखते थे, भर भर के फीलिंग्स आप लोगों के दिल में थी, आप लोग मैच्योरली अपनी सिचुएशन को, अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहते थे, ड्रीम्स रखे थे आपने कि हाँ हम ऐसे रखेंगे वैसे करेंगे, ये सब चीज़ें आपकी चल रही थी, लेकिन इस एल्डर फिगर ने आके ना सारी चीज़ें ख़राब कर दी, और उसने बेसिकली आप लोगों के बीच में ये सिचुएशन ला दी कि आप दोनों एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देख रहे हो, यानी कि इतनी दूरियाँ आप लोगों के बीच में इस पर्सन ने ला दी, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है।
और इस वजह से ना शायद आपके पार्टनर ने आपके कॉल टेक्स्ट मैसेजेस बिल्कुल भी नहीं सुने, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। उसके अलग ना जैसे आपके पर्सन थे इस फॉर्म में, यानी कि चाहे आप मेल फीमेल जो भी हो, तो आप किंग या क्वीन के थे, कप्स की फीलिंग में थे, एक दूसरे के लिए फीलिंग्स रखते थे, इमोशंस रखते थे, लेकिन इस पर्सन ने आपके पार्टनर की पर्सनैलिटी ही चेंज कर दी बिल्कुल, ठीक है। मतलब आपके पर्सन के दिमाग में इसने कुछ इस तरह का कचरा भरा, कुछ इस तरह का जहर भरा, आपके खिलाफ़ परंपराओं की दुहाइयाँ जो दी ना, उस वजह से आपके पर्सन ने ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करा और उन्होंने अपने आप को बिल्कुल ही चेंज कर लिया। फीलिंग्स वो आपके लिए रखते हैं, मतलब एक प्यार वो था उनके दिल में, वो जो उनसे कोई भी नहीं छीन सकता, पैशनेट वो थे आपके लिए, लेकिन ना उनके दिल में ये हो गया कि हाँ मुझे ये मेरी परंपराएं हैं, ये मेरे घर के रीति रिवाज हैं, मुझे इन्हें तो अपनाना ही होगा। इस तरह से आपके पार्टनर ने ना अपनी ये पर्सनैलिटी बना ली, मुझे अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग चलना है, या मुझे जो भी ये पार्ट था मुझे इनके अकॉर्डिंग चलना है, मुझे इसी चीज़ को आगे बढ़ाना है। इस तरह से आपके पर्सन सोचने लगे, ओवरथिंक कर करके उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी ये बना ली। कप की एनर्जी से निकलकर वो डायरेक्ट आ गए वॉन्ड्स की एनर्जी में, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब हमारा मेन क्वेश्चन क्या था कि क्या उनका दिल करता है, ये सब चीज़ें तो हैं, उन्होंने आपसे डिस्टेंस बना ली, बिल्कुल बना ली, लेकिन अब हमारा मेन क्वेश्चन है कि क्या उनका दिल करता है आपसे बात करने का या नहीं करता है। तो जी बिल्कुल करता है, उनका दिल बिल्कुल करता है आपसे बात करने का। विद दिस पेज ऑफ वॉन्ड्स कार्ड दो दो बार ये आया है, उन्होंने आपसे डिस्टेंस तो बना ली, किसी के कहने में आके, किसी की बातों में आके ऐसे दिखाया कि हाँ भाई मैं जिम्मेदार पर्सन हूँ और मुझे ये जिम्मेदारी उठानी है। उन्होंने तब तो जिम्मेदारी उठा ली या अभी भी उन्होंने जिम्मेदारी उठा रखी है, लेकिन वो आपके लिए पैशनेट बहुत हैं, ठीक है। आज भी वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपको कॉल टेक्स्ट मैसेजेस करना चाहते हैं, और शायद इस चीज़ का तो आप भी बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हो, ठीक है। तो वो बेसिकली करेज दिखाना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग, न्यू जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं आपकी तरफ, उनकी इच्छा है आपकी तरफ बढ़ने की, आपसे बात करने की, आप लोगों का फिर से बातें चालू हो जाए, ऐसा उनका दिल करता है, ठीक है। बट क्या है ना, पार्टनर का आपके बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं, क्योंकि बंदे या बंदी में इतने करेज नहीं है कि भाई आपसे अब आके बात कर लें, क्योंकि तब ऑब्वियसली उन्होंने बहुत ज़्यादा ईगो दिखाया, तब उन्हें लगा कि ये जो भी पर्सन उन्हें जो भी समझा रहे हैं ना वो बहुत सही सटीक बातें बता रहे हैं, उस पार्ट पर उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस करा। लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, मुझे यहाँ पे लग रहा है आप लोगों में भी एज डिफरेंसेस हो सकता है गाइस, तीन तीन पेजेस की एनर्जी आई है यहाँ पे, ठीक है। हो सकता है आपके पर्सन आपसे छोटे हों, आप बड़े हों, और तब आप लोगों के बीच में एज डिफरेंसेस का ही इशू बनाया हो इस थर्ड पार्टी ने, ये जो भी हो सकता है, ठीक है। जो भी है ना, आपके पर्सन का क्या हो रहा है ना, उन्हें चाहिए, वो चाहते हैं कि ये जो भी नाटक चल रहा है ना आप लोगों के बीच में, जो भी ड्रामा चल रहा है, जिसने भी ये रायता बिखेर रखा है ना, इस सब को छोड़ छाड़ के ना वो आपको कहीं दूर लेकर चले जाएं। विद द सिक्स ऑफ सोर्ड्स कार्ड, मतलब बात करने का भी दिल कर रहा है बंदे का या बंदी का, और आपके साथ कहीं दूर जाने का भी दिल कर रहा है, ठीक है। इस बात की तो श्योरिटी हो गई, उन्हें लग रहा है ना कि ये सब जो भी है ना, ये काश ये चीज़ें होती ही नहीं और वो आपको कहीं दूर लेकर चले जाते। उनका दिल करता है विद दिस टेम्परेंस कार्ड की बैलेंस आ जाए, आप लोगों का रिलेशनशिप वापस से इंटीग्रेशन हो जाए, बह रहा है ना, तो आप लोग एक तरह से, मतलब स्पेशली मुझे इनकी साइड से लग रहा है, तो आपके पर्सन को लग रहा है कि किसी तरह से ये जो भी पर्सन है ना जिसने उंगली घुसाई है, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर ले और आप लोगों का रिलेशनशिप ना वापस से कंटिन्यू हो जाए। आपके पर्सन का ये दिल कर रहा है, ठीक है। बट आपके पार्टनर के साथ हो रहा है ना गाइज, ये सब चीज़ें कर तो रही हैं, लेकिन कि बहुत पेज वाली एनर्जी में वो ये सब चीज़ें सोच रहे हैं। जिस हिसाब से आप लोगों की सिचुएशन में ड्रामा चल रहा है ना, तो उन्हें एक किंग की एनर्जी में आकर ये सब सिचुएशन को डील करना होगा। देखिए यहाँ पे भी आया है पेज की एनर्जी में, पेज ऑफ पेंटिकल कार्ड, यानी कि जो भी पर्सन है ना आपके पार्टनर, अगर इनके सामने कहना भी चाहते हैं कि वो न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, अपनी एक न्यू स्टार्टिंग करना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, एफर्ट दिखाना चाहते हैं, मतलब इतना मतलब उनके दिल में है, लेकिन वो उनके अंदर इतने गट्स नहीं है कि वो इस पर्सन के सामने जाकर ये चीज़ें बोले जो उनके दिल में चल रही हैं न्यू बिगनिंग करने की, ठीक है। ये भी
भी न्यू बिगनिंग का है, पेज ऑफ पेंटिकल भी न्यू बिगनिंग का कार्ड है, और पेज ऑफ वॉन्ड्स तो है ही है आपसे बात करने का, यानी कि डीप डिज़ायर है आपसे बात करने की, आपकी तरफ बढ़ने की, लेकिन पर्सन में गट्स नहीं है कि ये जो भी पर्सन है ना इसके सामने अपने गट्स दिखाए और बोले कि हाँ नहीं मुझे इससे प्यार है, मेरे को इसके पास जाना है, हम दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं, हम दोनों को एक साथ रहना है, ऐसा यहाँ पर है। याद बेहद आ रही है आपके पर्सन को, वो आपकी ना, ठीक है, अगर आपको लगता है कि क्या उनका दिल करता है आपसे बात करने का, तो जी बेहद करता है, लेकिन आपके पार्टनर में बेसिकली इस पर्सन के सामने ये जो भी है, हो सकता है कोई एल्डर फ्रेंड हो, एल्डर ब्रदर हो, कोई भी हो सकता है, आपको ज़्यादा बेहतर है पता होगा कि ये कौन पर्सन है, ठीक है, इसके सामने आपके पर्सन के इतने गट्स नहीं है कि वो बोले कि हाँ मुझे इससे प्यार है, मुझे जाकर इसे लेकर आना है, या मुझे इससे प्यार है, मुझे इसे कमिटमेंट देना है, मुझे मैरिज में आना है, या फिर मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, ये मेरी फैमिली है, मुझे इसे लेकर आना है, इतने गट्स नहीं है इस पर्सन के सामने बोलने की, फीलिंग्स हैं, बात करने का भी दिल कर रहा है, और अगर आपको ये लगता है कि मेरे पर्सन के दिल में मेरे लिए क्या चल रहा है, अगर आपके माइंड में ये चीज़ भी आए ना कि मेरे पर्सन के दिल में अब मेरे लिए क्या चल रहा है, तो देखिए ना तो उनके दिल में आपके लिए नफरत है, ना नेगेटिविटी है, उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, प्यार है, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, बट सारी बात अटकती है कि आपके पर्सन के पास ना इतने गट्स नहीं है, पेज वाली एनर्जी में हैं आपके पार्टनर, जिस दिन ये पेज की एनर्जी से निकलकर किंग की एनर्जी में आ जाएंगे ना, उस दिन वो इस पर्सन के सामने ये जो भी आपके पर्सन को ज़्यादा अपनी वो दिखा रहे हैं ना, आपके पार्टनर उसी समय पे आपकी तरफ लौट आएंगे। चलिए अब ओशोज से और देख लेते हैं और क्या करता है आपके पर्सन का दिल। मुझे बताइए मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर का क्या दिल नहीं करता उनसे बात करने का, क्या चल रहा है उनके दिल में, प्लीज़ व्यूअर्स मुझे बताइए क्या चल रहा है उनके दिल में। देखिए क्या आया है, एग्जॉशन का कार्ड आया है, ऑब्वियसली दिमाग में उनके बहुत ज़्यादा घसर पसर चल रही है, उन्हें खुद नहीं समझ में आ रहा है ना कि करें क्या, कैसे सिचुएशन को डील करें। अगर आपको यकीन नहीं होगा ना तो गाइस ये भी नाइन ऑफ वॉन्ड्स का ही कार्ड होता है जो ओवरऑल एनर्जी आई थी, यानी कि आपके पार्टनर के साथ क्या हो रहा है ना, दिल करता है बात करने का लेकिन अपने आप को ना जबरदस्ती उन्होंने मैदान में खड़ा कर रखा है लड़ने के लिए, मतलब आपसे लड़ने का दिल करता नहीं है लेकिन जबरदस्ती इस पर्सन को ना मान सम्मान देने के लिए, इस पर्सन को ज़्यादा प्रायोरिटी दिखाने के लिए ना आपके पर्सन आपसे लड़ भिड़ रहे हैं, ऐसा मुझे मेन दिखाई दे रहा है। ये भी नाइन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और ओवरऑल एनर्जी तो आई ही आपकी नाइन ऑफ वॉन्ड्स कार्ड की है, ठीक है, हो सकता है नाइन नंबर भी आपसे कहीं ना कहीं रिलेट करता हो, जैसे आपका रिलेशनशिप 9 सालों का था, 9 महीने से प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो गई थी, या हो सकता है कि आप लोगों से सेप्टेम्बर मंथ रिलेट करता हो, तो ये भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। देखिए पहला आया है टंडर बोर्ड, अगर ये जो सिचुएशन आप लोगों के बीच में चल रही है ना गाइज, आप लोगों के लिए टफ है तो आपके पार्टनर के लिए भी ये एक बहुत बड़े झटके के बराबर है, यानी कि उन्होंने आपसे डिस्टेंस तो बना ली है, इस पर्सन के कहने से उन्होंने डिस्टेंस तो बना ली है लेकिन ये जो भी डिस्टेंस है ना उनके लिए भी तूफान की तरह ही है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मास्टर बनना चाहते हैं लेकिन इतने गट्स नहीं हैं, बहुत कम एनर्जी है अभी, मास्टर बनने के लिए बहुत गट्स चाहिए होते हैं, बनना चाहते हैं यूनिवर्स से, हो सकता है मांग भी रहे हो, मैनिफेस्ट भी कर रहे हो आपको, लेकिन उसके लिए भी तो बहुत ज़्यादा गट्स चाहिए, क्योंकि यहाँ पे द मास्टर और द ड्रीम कार्ड दोनों आए हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपके पार्टनर ना आपको विजुअलाइज भी कर रहे हो, ठीक है, जैसे होता है ना मेडिटेट करते हुए वो विजुअलाइज कर रहे हो आपको, आपको बेसिकली मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो बात करने का दिल है तभी तो कोई पर्सन आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश करेगा, आप ये बताइए, है ना, तो वही चीज़ है कि वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनका दिल है आपसे बात करने का। उसके अलग ही वाला कार्ड जो होता है ना गाइज, ये होता है 6 ऑफ कप्स का कार्ड। 6 ऑफ कप्स का कार्ड क्या होता है, यानी कि पास्ट की मेमोरीज याद आने का, तो हो सकता है उन्हें आपकी पास्ट की, आप लोगों के जो पल थे ना, आप लोग ऐसे बाहों में बैठते थे, बात करते थे, घंटों बात करते थे, दिल की बातें एक दूसरे से कहते थे, तो वो चीज़ें भी उन्हें बहुत ज़्यादा यादें आ रही हैं, तो ऑब्वियसली प्यार है दिल में, नफरत नहीं है, ना नेगेटिविटी है, ना गुस्सा है, तो यही पुरानी बातें याद आ रही हैं उनको, बैठते हैं तो उन्हें याद आता है कि आप लोग कैसे साथ में रहते थे, बात करते थे, वो चीज़ आपके पसंद को आपके लिए याद आ रही है। एक और दिखाते हैं, अच्छा 2 आ गए हैं, कोई बात नहीं है,
देखिए अलोननेस, वो इस पर्सन की वजह से ना उन्होंने आपसे दूरी तो बना ली है गाइज, लेकिन वो ना बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। देखिए बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब ये होता है ना कि इस पर्सन को, इसको तो पूरे इसका हक दे रहे हैं, जो भी ये पर्सन है इसको तो इसके सारी, इसके प्रति तो वो सारी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन इसके प्रति जिम्मेदारी निभाने के साथ साथ ना आपके पार्टनर ने अपने आप को खुद से अकेला कर लिया है। इसके जिम्मेदार और कोई नहीं, आपके खुद के पर्सन हैं। देखिए ये चीज़ मैं खुद कह सकती हूँ, इन्होंने इसको हक दिलाने के लिए, इसके हक के लिए लड़ने के लिए ना अपने आप को आपके पर्सन ने अकेला कर लिया है। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहते हैं, नाइन ऑफ कप्स का कार्ड होता है ये बेसिकली, लेकिन आपके पार्टनर ना इन चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा लेजी हो रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत दिल कर रहा है, बहुत पुरानी बातें यादें कर रहे हैं आपकी, और उनके लिए ये जो भी सिचुएशन चल रही है ना बहुत बड़ा मेजर झटका है, जिससे उनकी भी इस टाइम पे ना नींव हिली हुई है। क्योंकि देखिए यहाँ पे तो अलोननेस का भी कार्ड आया है, कितना अकेले हुए हुए हैं आपके पर्सन। ठीक है ना, अगर आपको लगता है कि वो मजे में हैं, भाई वो तो ये हैं वो हैं, तो ये कार्ड और ये कार्ड अगर आप खुद देखेंगे कितने कार्ड सैड एनर्जी आई है उनकी, पूरा झटका लगा हुआ है आपके पार्टनर को आप लोगों की जो भी सिचुएशन चल रही है उसको लेकर। सोचते हैं ना, यहाँ पे ओवरथिंक का कार्ड भी आया है, समझ में आ रहा है चीज़ें कंट्रोल में नहीं है, ओवरथिंक का द मून कार्ड आया है, तो वही चीज़ें सोचते हैं सिचुएशन को, तो समझ में आता है कि यार बहुत ज़्यादा चीज़ें खराब हो गई हैं। अब देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस के कार्ड्स आते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइडेंस के लिए कार्ड्स दीजिए, मेरे व्यूअर्स के लिए कोई गाइडेंस हो तो बताइए। पहला आया है, फर्स्ट वन इज जर्नी, यहाँ पे आया है द थिंकिंग वूमेन। सोच तो आप भी बहुत रहे हैं, अगर आपके पार्टनर द मून कार्ड से ओवर थिंक कर रहे हैं तो गाइज थिंकिंग तो आप भी बहुत कर रहे हैं। अगर आपके पार्टनर आपको कहीं दूर लेकर जाना चाहते हैं इस तरह से, तो आप भी अपने पार्टनर के साथ कहीं दूर जाना चाहते हैं, है ना, ये बात मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप भी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो, न्यू जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो, उनके बारे में दिन रात सोचते हो, शायद बहुत ज़्यादा रोते भी हो, शायद अब आपने रोना कम कर दिया है, तभी आपकी आँखें तो ऐसी ही रह गई हैं, डार्क सर्कल्स हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा वीक हो गए हो आप काफ़ी ज़्यादा, लेकिन आप सोच अभी भी रहे हो अपने पार्टनर के लिए। तो बेसिकली आपके लिए यहाँ पे, मैंने तो यहाँ पे गाइडेंस के लिए ही कार्ड निकाले हैं जो बता रहे हैं ना कि आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, न्यू जर्नी आपकी स्टार्ट होगी, सब कुछ डेस्टिनी पे, सब कुछ यूनिवर्स पे आप सरेंडर कर दो, आपकी जो भी सिचुएशन है ना ठीक हो जाएगी। जो जितना सोचोगे ना तो चीज़ें सही नहीं होगी, हो सकता है कभी कभी नेगेटिव भी सोच लो और वो नेगेटिव भी मैनिफेस्ट हो जाए, तो इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि ज़्यादा मत सोचो, पॉजिटिव रहो, सब चीज़ें सही हो जाएंगी। ठीक है, एक कार्ड और देख लेते हैं गाइडेंस के लिए, एक कार्ड शफल करके ना अपने आप से निकाल लेती हूँ। देखिए कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपको लगता है कि आप लोगों की जो भी सिचुएशन है ना उसमें आपको न्याय नहीं मिला है, तो आपको न्याय भी मिलेगा गाइस। हो सकता है ना, यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है गाइस, कुछ कुछ लोगों का तो शायद यहाँ पे कोर्ट केस भी चल गया हो, इतनी नौबत ख़राब हो गई हो कि ना चीज़ें कोर्ट में जाकर अटक गई हो, तो ऐसा भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पर्सन, तो यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी है। और उसके अलावा ये जो पर्सन होता है ना, ये काफ़ी ज़्यादा लॉज अथॉरिटी इन सबको भी मानने वाला होता है, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए हो, सभी लोगों के लिए नहीं हो। उसके अलावा ना गाइस आपको यही बताया जा रहा है कि आप लोगों के लिए स्पेशली, तो मैंने गाइडेंस के लिए निकाला था, तो आप लोगों के लिए यही बताया जा रहा है कि अब अगर आप अपने पार्टनर के साथ एक कमिटमेंट में जाओ ना, तो आप पूरा उसमें अच्छे से छानबीन करके ही उसमें एंटर करो, ताकि आपको ना आगे जाके वो प्रॉब्लम्स ना हो। तो हो सकता है आपके लिए ये गाइडेंस इस तरह से आए हो कि आपको ना पहले पूरी तरह से जो भी आप लोगों की सिचुएशन है उसके बारे में अच्छे से सोच लेना है, जब आप उनके साथ वापस एक लाइफ कंटिन्यू करो तो आपको पूरा एक एक चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप, कॉन्ट्रैक्ट वाइज, रूल्स वाइज, लॉज वाइज, सब चीज़ें समझने के बाद ही जर्नी स्टार्ट करनी है। उससे पहले आप अपने पर्सन के साथ ना अगेन उस रिलेशनशिप में नहीं जाइएगा, क्योंकि बाद में फिर यही पर्सन आप लोगों के बीच में कोई प्रॉब्लम्स खड़ी कर दे, तो उससे ज़्यादा बेहतर है कि आप ना पहले सब चीज़ों को सोचो, फिर कॉन्ट्रैक्ट करो प्रॉपर तरीके से, उसके बाद ही न्यू जर्नी स्टार्ट करो अपने इस पर्सन के साथ, अगर आपको करनी है तो। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए ये गाइडेंस आ रही है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, इसलिए बस मुझे बताइए। तीन ही आ गए। देखिए
ऑल द सॉन्ग्स रिमाइंड मी ऑफ यू, आपके पार्टनर आपसे बोल रहे हैं कि हर एक सॉन्ग उन्हें आपकी याद दिलाता है. यू आर माई सोलमेट, आपके पार्टनर आपसे बोल रहे हैं कि आप उनके सोलमेट हैं. आई डिडेंट वॉन्ट टू हर्ट यू, तो मैं आपको इतनी देर से शायद यही चीज़ समझा रही थी कि आपके पार्टनर ने ना इस पर्सन की वजह से आपको हर्ट तो कर दिया, लेकिन ना वो चाहते नहीं थे ऐसा बिल्कुल भी. उन्होंने इसे तो सम्मान दिला दिया, इसकी तो उन्होंने बात मान ली, लेकिन इस चक्कर में ना उन्होंने खुद को भी अकेला कर लिया और आपको भी अकेला कर लिया, अपने आप को आपसे जुदा कर लिया. तो वो आपसे कह रहे हैं कि वो कभी भी नहीं चाहते थे आपको दुख पहुंचाना. देखिए आप लोग ऐसे थे, आप लोग एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे, एक दूसरे को देख कर सोते थे, जागते थे, वो चीज़ें थी. लेकिन इस पर्सन की वजह से आपके पार्टनर ने आपसे ऐसे मुँह मोड़ लिया है, आपने अपने पार्टनर से और आपके पार्टनर ने आपसे ऐसे मुँह मोड़ लिया है. बट प्यार अभी भी कम नहीं हुआ है. अगर आपको लगता है कि प्यार ख़त्म हो गया इसकी वजह से, ये सब सिचुएशन की वजह से, प्यार तो है, कब थोड़ी ना चला गया हाथ में से, कब तो है, लेकिन मुंह मोड़ लिया एक दूसरे ने मुंह मोड़ लिया, तो ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है. तो गाइस ये थी मेरी रीडिंग, आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट करी हो. अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आती है, आपसे रेजोनेट करती है, तो प्लीज़ मुझे बताना और मेरे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा गाइस, क्योंकि सब्सक्राइब करने से पैसे नहीं लगते हैं, ठीक है. और इस चैनल पर तो आपको नए नए अच्छे अच्छे टॉपिक्स मैं लेकर आती ही रहती हूँ, और मैं डेली रीडिंग लाती हूँ. ऐसा नहीं है मैं गैप कर देती हूँ, जब बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है या बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाता है मैं तभी गैप करती हूँ, अदरवाइज़ मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है आप लोगों को मेरी वीडियो का बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है, ठीक है. तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही, ओके, टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल.